तो आप देख सकते हैं किस तरीके से दादी का रो रोकर बुरा हाल है। 3 साल के बच्चे को रिक्शा वाला उठा कर ले जाता है। कल्पना, उसने वो लड़के ने तो पजामा पहन रखा पोते ने तो, और वो पहन रखा वो कुर्ता। बुढ़ा सा थोड़ी सी डाडी है, सफेद सफेद सी पुतला सा, रिक्शा लाल ब्लैक से कलर का ही था, पुराना सा रिक्शा था बिल्कुल। मैं तो यहाँ उतरी थी दवाई लेने के लिए, बस उल्टी फिर का दवाई भी नहीं ली मैंने तो, उल्टी फिर का देखा था रिक्शा ही गायब कर दिया उसने। ये तब बैठी थी, कहाँ जा रहे थे आप? 500 गेट। आपने उनको बोला था कि बच्चा बैठा हुआ है? हाँ बोला था मैंने, मैंने ये कहा था मगर भाई मैं दवाई लिया उन घर लिया, मगर मैं इस पर एक शीशी लिख रखे बाहर के, एक शीशी लेके आ रही मैं कैरल लिया, मैं इतना अंदर ही गई हूँ, अंदर से बाहर देखा इतने तो वो गायब हो गया था रिक्शे वाला। दो मिनट पेपर बेचारे लेके भी गए, बाइक बाइक ने मैंने बिठा के ना बाइक पर मैं सारी के घूमी आई बाइक पर। आपने उसे कहा था कि बच्चा बैठा हुआ? हाँ कहा था उन्हें। क्या नाम है बच्चे का? दीवांश। बिल्कुल आप देख सकते हैं दादी का रो रो कर बुरा हाल है। 3 साल का दीवांश, जी हाँ 3 साल का दीवांश जो है रिक्शा वाला उसे उठा कर ले जाता है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के बाहर की तस्वीरें हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से दादी का रो रो कर बुरा हाल है। 3 साल के दिव्यांश को उठा कर ले जाता है रिक्शा वाला। तो आप देख सकते हैं दादी का, माँ का, पिता का रो रोकर बुरा हाल है। 3 साल का दिव्यांश जिसने हरे रंग की शर्ट पहनी हुई है, व्हाइट कलर की पजामी पहनी हुई है, जो अपनी दादी के साथ दवाई लेने के लिए पहुंचा था, लेकिन कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के पास जब दादी उतरती है ये कहकर कि मैं मेडिकल स्टोर से दवाई लेने के लिए जा रही हूँ, बच्चे का ख्याल रखना, और उसके बाद ही बच्चे को लेकर रफू चक्कर हो जाता है रिक्शा वाला। हरियाणा के करनाल से ये बड़ी खबर है, इस खबर को आप शेयर करें ताकि बच्चे का सुराग लगाया जा सके, बच्चा अपने माँ बाप के पास सुरक्षित पहुंच सके। रिक्शा वाला बच्चे को उठाकर ले गया, जी हाँ रिक्शा वाला बच्चे को उठाकर लेके गया है। हरे रंग की शर्ट बच्चे ने पहनी हुई है, व्हाइट कलर की पजामी बच्चे ने पहनी हुई है, और किस तरीके से बीच सड़क पर ही, जी हाँ बीच सड़क पर ही बच्चे को रिक्शा वाला उठाकर ले जाता है, और किस तरीके से फूट फूट कर, जी हाँ फूट फूट कर रोती हुई दादी रो नजर आ रही है। तो आप देखिए परिवार का रो रोकर बुरा हाल है, परिवार का रो रोकर बुरा हाल है। 3 साल का बच्चा, जी हाँ 3 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा जिसे रिक्शा वाला उठा कर ले गया। हालांकि सुनने में ये आया है कि रिक्शा वाला जो उठा कर लेके गया उसका नंबर सामने आ चुका है, और हमारी आप सभी से अपील रहेगी इस खबर को आप शेयर भी जरूर कर लें ताकि बच्चे का कोई सुराग लगा जा सके। उसने वो लड़के ने तो पजामा पहन रखा पोते ने तो, और वो पहन रखा वो कुर्ता। बुढ़ा सा थोड़ी सी डाडी है, सफेद सफेद सी पुतला सा, रिक्शा लाल ब्लैक से कलर का ही था, पुराना सा रिक्शा था बिल्कुल। मैं तो यहाँ उतरी थी दवाई लेने के लिए, बस उल्टी फिर का दवाई भी नहीं ली मैंने तो, उल्टी फिर का देखा था रिक्शा ही गायब कर दिया उसने। ये तब बैठी थी, कहाँ जा रहे थे आप? 500 गेट। आपने उनको बोला था कि बच्चा बैठा हुआ है? हाँ बोला था मैंने, मैंने ये कहा था मगर भाई मैं दवाई लिया उन घर लिया, मगर मैं इस पर एक शीशी लिख रखे बाहर के, एक शीशी लेके आ रही मैं कैरल लिया, मैं इतना अंदर ही गई हूँ, अंदर से बाहर देखा इतने तो वो गायब हो गया था रिक्शे वाला। दो मिनट पेपर बेचारे लेके भी गए, बाइक बाइक ने मैंने बिठा के ना बाइक पर मैं सारी के घूमी आई बाइक पर। आपने उसे कहा था कि बच्चा बैठा हुआ? हाँ कहा था उन्हें। क्या नाम है बच्चे का? दीवांश। बिल्कुल आप देख सकते हैं दादी का रो रोकर बुरा हाल है। 3 साल का दीवांश, जी हाँ 3 साल का दीवांश जो है रिक्शा वाला उसे उठा कर ले जाता है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के बाहर की तस्वीरें हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से दादी का रो रोकर बुरा हाल है। 3 साल के दिव्यांश को उठा कर ले जाता है रिक्शा वाला।